खुद नहीं समझ आ रहा ये सब कैसे हो गया। मुझे वसीम ने बताया है और मुझे समझ नहीं आ रहा मैं इस वक्त मामा को कैसे बोलूं। इतनी रात को अगर मामा को पता चल गया तो क्या छुपा रही हो? और इतनी रात को तुम किससे बात कर रही हो? भाई से बात कर रही हूँ। अच्छा क्या बात कर रही थी? तुम दोनों ने ना मुझसे बातें छुपा छुपा कर हालात यहाँ तक पहुंचा दिए, इसलिए अब बगैर वक्त जाया किए सच सच बताओ क्या छुपा रही हो? मामा कामरान को किसी ने गोली मार दी है। या अल्लाह मामा ये बात आप प्लीज अभी खाला को मत बताइएगा। लेकिन ये सब हुआ कैसे? मतलब किसने मारी उसे गोली? मुझे अभी वसीम की कॉल आई थी उसने मुझे बताया। आप प्लीज अपने आप को संभालें। हाँ बेटा लेकिन ये सब ऐसे तुम्हारी बात किससे हुई है? अबे बस कर दे चचा बस कर दे, मुझे मत इल्जाम दे चचा। बोला था ना तुझसे उससे खेल मत खेलियो। जो खेल तू खेल कर रहा है ना कुदरत तुझे कभी माफ नहीं करेगी, बहुत बुरा अंजाम होगा तेरा। बेल के आ जा बे, छोड़ दे फिकर मेरे अंजाम की, जल्दी से निकाह कर इसका मेरे साथ, रुख्सत कर इसे मेरे साथ, तेरा भी वो जलका आ जाएगा, बहुत टाइम हो गया। हाँ भूल है तुम्हारी, तुम मुझसे मेरी मोहब्बत छीन सकते हो लेकिन कभी मुझे हासिल नहीं कर सकते, सुना तुमने? सुना? रस्सी जल गई, बल नहीं गया, वही अदाएं। अबे इन अदाओं के लिए तो 10 जाने भी ले सकता हूं मैं। हाथ नहीं लगाना उसे। नहीं प्लीज उसको कुछ मत, मेरे बच्चे को कुछ मत दे जाने मत। जो कहूंगा मानेगी? शानवाज तुम जो कहोगे मैं मानूंगी, प्लीज इसको कुछ मत कहना। नीचे करो इसको, उसका क्या कसूर है? साइड पकड़, साइड पकड़, दलाल। शादी करेंगे उससे। अब तू जा। अच्छा जा। जा यहाँ से शानवाज, तू जा यहाँ से। कैसा है? गोली निकाल ली है लेकिन 72 घंटे इंतहाई अहम है,
दुआ करें और खुदा का शुक्र अदा करें, वरना ऐसे केसेस में आप जानते हैं। डॉक्टर साहब खतरे की बात तो नहीं है ना, कामरान बच तो जाएगा ना? इंशाल्लाह हम जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं, बाकी आप दुआ करें। कामरान की भला किससे दुश्मनी है, फिर उसे गोली किसने और क्यों मारी? इंस्पेक्टर साहब बता रहे थे मुझे कि कामरान ने किसी शाहनवाज के खिलाफ कल रिपोर्ट लिखवाई थी। मेरे ख्याल से ये शाहनवाज वही है जो कामरान की बीवी से शादी करना चाहता था। बीवी की जान बचाते बचाते अपनी जान से चला गया, सब घाटे का सौदा किया है कामरान ने। मोहब्बत में सौदा थोड़ी होता, मोहब्बत तो फिर मोहब्बत होती। इसे कहते हैं तकदीर अब्बा, अल भर की खुशी देके मैं भर का रोग लग गया। नहीं बेटा, ये तकदीर का किया नहीं है, ये जुल्म तो उस जालिम ने किया। कामरान के नाम का तो सहारा ही काफी था। अलीम भाई आप देखिए, वो आएगा और इद्दत की परवाह किए बगैर इससे निकाह करके ले जाएगा। आप क्यों खामोश है, कुछ बोलते क्यों नहीं है? कुछ नहीं होगा ऐसा, तू यहां से कहीं दूर चली जा। अलीम भाई आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं भी यही कहने वाली थी। फातिमा बेटा तो यहां से कहीं दूर चली जा, तुम्हें खुदा का वास्ता है। अपने बाप की आखिरी ख्वाहिश समझ और चली जा, कहीं भी जा पर यहां से दूर चली जा। कहां चली जाऊं, ऐसी कौन सी जगह है जहां मौत मुझ तक नहीं पहुंच सकती? इसके हाथों का खिलौना बनने से तो बेहतर है ना मर जा, मगर यहां से दूर जा। वसीम साहब आप मुझे उस शख्स के बारे में कुछ बता सकते हैं जिसका जिक्र कामरान साहब ने मुझसे फोन पे किया था? नहीं इंस्पेक्टर साहब, वो तो कामरानी होश में आकर आपको बता सकते हैं। चलो ठीक है। अच्छा मुझे आपसे एक फेवर चाहिए हो। जी जरूर कहिए। मुझे उन लोगों के नंबर चाहिए जो कामरान साहब के बहुत करीब हों। तो ठीक है, लेकिन आपको नंबर्स क्यों चाहिए? लेकिन बात यह है कि मैं वो नंबर टेप करना चाहता हूँ, क्योंकि दुश्मनी और बदले का मामला है और शख्स को जैसे ही पता चलेगा कि कामरान साहब बच गए उनसे दोबारा रब्ता करने की कोशिश जरूर करेगा। श्योर, मैं आपकी हर तरह की मदद करने को तैयार हूँ। गुड, और हमें उनकी बीवी का पता भी चाहिए होगा, हो सकता है उनसे कोई काम की बात मालूम हो सके। उसका एड्रेस मुझे बताए, आपको भेजता हूँ। ये इब्राहिम साहब का घर है जो अलीम साहब के वालिद हैं। कहाँ से आई हैं आप? उन्हें मरे हुए तो सदियां बीत गई। उनका कोई तो होगा, कोई एड्रेस, कोई भी। ये घर तो 18 साल पहले मेरे शौहर ने उनके बेटे से खरीदा था। उनका पता है आपके पास? क्या बात करती हो, मैं क्या हर आरे घरे का पता समेटे बैठी हूँ?
ये तेरे दादा के घर का पता है और ये तेरे नाना का, संभाल के रख। मेरे साथ चले आप। लाचार बाप को संभाले ये अपनी औलाद, इससे जरूरत है तेरी। मैंने तो जी दी अपनी जिंदगी। और सुन, तेरे दादा नहीं भी मिले ना तो ताया और चाचा होंगे, वो जरूर तेरी मदद करेंगे। बस जल्दी जा, जा मेरी बुआ तेरे साथ है, जा जल्दी जा। तुमने देखा आसमान, उस औरत के पीछे लगकर कामरान किस हाल में पहुंच गया। अगर वो इस घर में आ गई तो पता नहीं क्या तबाही अपने साथ लाएगी। वरना कामरान ने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, उसके तो कोई दुश्मन भी नहीं है। आपा आप बस दुआ कीजिए कि कामरान साफ खैरियत से घर वापस आ जाए, ये सब हम बाद में देख लेंगे। इस वक्त हॉस्पिटल में कौन? फरवा और वसीम है। अहमद से भी बात हुई है मेरी, वो भी आने की कोशिश कर रहा है। फरवा, मैं फरवा की बेइज्जती नहीं होने दूंगी। मैं इस औरत को कामरान की जिंदगी से यूं निकाल के तो मेरा बच्चा ठीक हो जाए। आप ये वक्त इन बातों का नहीं है, आप रहने दीजिए। कैसे रहने दूं? नहीं ना जाने कौन है ये जिसने मेरे सीधे साधे बेटे को फंसा लिया है। कभी सुकून नहीं पाएगी, दर बदर भटकेगी। जी, किससे मिलना है आपने? फरहत, फरहत से मिलना है। फरहत कौन? यहाँ तो इस नाम का कोई नहीं रहता। क्या मैं घर में किसी से मिल सकती हूँ? लेकिन वो सब लोग तो मुझसे बाहर गए हैं, दो महीने बाद वापस आएंगे। मैं चंद दिनों के लिए यहाँ पे रह सकती हूँ। जी, मैं कह रही हूँ मैं चंद दिनों के लिए यहाँ पर रह सकती हूँ। जाओ अपना काम करो, तुम जैसी लड़कियाँ ही घर लूट लेती हैं। निकलो यहाँ से। क्या बकवास कर रहे हो? जी उस्ताद, बच गया है वो। कामरान के नंबर पे किसका फोन आ रहा है? हेलो बेटे, अगर तुम बच गए हो ना तो ये मत समझना कि तुम्हारा पीछा छोड़ दूंगा ना। तुम्हें तो मैं कब्र में पहुंचा कर ही दूंगा। कौन हो तुम, कहां से बात कर रहे हो? अबे गोली दिमाग पे तो नहीं लगी थी कि याददाश्त चली जाती तेरी? इतनी जल्दी भूल गया तू? चलो तुम फिक्र नहीं करो, अब की बार गोली दिमाग पे ही लगी। तुम क्या बकवास कर रहे हो? हेलो हेलो, कौन था? एक पल रुक,
हेलो इंस्पेक्टर साहब, मैं वसीम बात कर रहा हूँ। जी जी बोले। जी वो कामरान के नंबर पे कॉल आई है, वो थ्रेट कर रहे हैं। मेरे ख्याल से वही लोग हैं जिन्होंने कामरान पे अटैक किया। ठीक है मैं आता हूँ। ठीक है ओके। इसका मतलब है वो कामरान पे दोबारा अटैक करने की कोशिश करेगा। हाँ मैं काम करो, नफरी तैयार करो। हेलो जी, काउंटर पे आके फाइल ले जाइए। जी फरमाइए, किससे मिलना है आपको? कामरान साहब, आप उनके रिश्तेदार हैं? जी। फिर तो आपको पता होना चाहिए कि उन्हें किसी ने गोली मार दी थी। पता है। फिर मुझे उनके घर का एड्रेस या कोई कॉन्टैक्ट नंबर मिल सकता है? सॉरी मैम, एड्रेस या कॉन्टैक्ट नंबर तो देना अलाउ नहीं है। मेरा उनकी मम्मा से बात करना बहुत ज़रूरी है। देखें मैम, हमें अलाउ तो नहीं है, लेकिन मैं उनकी मदर से आपकी बात करवा देती हूँ। हेलो। वालेकुम अस्सलाम। एक सेकंड होल्ड करना, आपका फोन है। हेलो। जी मैम, नीचे बात कीजिए। हेलो, मिसेस सफर बात कर रही है? जी आप कौन? मैं कामरान की बीवी बात कर रही हूँ। तुम्हारी जुरत कैसे हुई यहाँ फोन करने और मुझसे बात करने की? मामा वो खबरदार जो तुमने मुझे मामा कहा। मैं बहुत मजबूर हूँ, मेरे पास रहने की भी कोई जगह नहीं है, प्लीज मेरी मदद करें। लड़की ये मेरा घर है, कोई खैराती इदारा नहीं है जो तुम मुझे अपनी मजबूरियां सुना रही हो। मैं बीवी हूँ कामरान की, आपके खानदान का खून है मेरी गोद में। अगर तुम समझती हो कि तुम मुझे इमोशनली ब्लैकमेल कर सकती हो तो ये तुम्हारी भूल है। तुम मेरे मासूम बेटे को अपनी बातों में उलझा सकती हो, मुझे नहीं। देखिए मेरे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है इस वक्त, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी मदद कर दे प्लीज। तो मर जाओ, खुदकुशी कर लो, रेल की पटरी पे अपना सर रख दो या दरिया में जाके डूब मरो। तुम जैसी मर क्यों नहीं जाती? मेरा नहीं तो कामरान की औलाद का ही ख्याल कर ले प्लीज। मैं बहुत परेशान हूँ। मेरा उस बच्चे से कोई वास्ता नहीं है, बोझ महसूस हो रहा है तो कहीं जाके फेंक आओ। पापा बस, आप अपना ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ा रही हैं? बैठे उस लड़की बेटी की जिंदगी खा गई। मान जा चाचा, मान जा। फातिमा को बगावत तूने अच्छा नहीं किया। बिल्कुल ठीक किया मैंने, बल्कि ये काम तो मुझे बहुत पहले कर देना चाहिए था। अरे चुप कर जा, 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 चुप कर जा, बहुत गुस्से में हूं मैं। अरे खुदा का वास्ता अलीम भाई, आप ही चुप कर जाएं। क्यों चुप कर जाऊं मैं? डरता नहीं हूं मैं इससे। काश के मैं जान जाता कि डर सिर्फ अल्लाह का होता है और उसी अल्लाह ने मुझे हिम्मत दी है।
सामना ये है क्या? गुंडा चोर मावाली अली भाई, अली भाई, अली भाई, भाई, ये तूने क्या किया? क्या किया तूने? भाई कहा था ना चाचा चुप कर जा, हो गया चुप। शाहनवाज तूने बहुत बड़ा किया, किसी का घर उजाड़ दिया है, अल्लाह पूछेगा तुझे, गलत करे खुदा तुझे। अरे चुप 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 चुप। ये क्या कर दिया उस्ताद तुमने? मैंने क्या किया? घर को आग लगा दो, जल के मर गए साले। शुक्र है कामरान की जान बच गई, देखा नहीं फरवा कितनी खुश है। लेकिन कामरान ने उसके साथ कितनी ज्यादती की है। अल्लाह ने कामरान को नई जिंदगी दी, अब उसकी ख्वाहिश को पूरी करते हुए वो लड़की कभी नहीं, ये नहीं होगा। कामरान को उस लड़की को छोड़ना होगा और फरवा को अपनाना होगा। मगर मगर क्या, जो जिस तरीके से तय हुआ है वैसे ही होगा। बस अमर आ जाए तो खैरियत से शादी भी हो जाएगी। फरवा अब ये शादी नहीं करेगी और मेरे लिए उसे मनाना आसान नहीं होगा। ये तुम क्या कह रही हो? कामरान के लिए सारी रात जागी है वो। तुम नहीं समझ सकी लेकिन मैं समझ गई हूँ, वो यही चाहती है। नहीं आपा, वो सिर्फ रिश्तों का हक अदा कर रही है, उसमें कोई चाहत नहीं है। मैं अपनी कुर्बानी दे सकती हूँ महवेश, लेकिन इसके साथ कुछ भी गलत नहीं होने दूंगी। तुमने अच्छा किया कि तुम यहाँ चली आई। अगर वो इसके साथ कुछ कर लेते या इसकी जान ले लेते तो फिर क्या कर लेती तुम? बहुत मानता मुझे कामरान की माँ पर, मुझे लगा था अपना खून देख के सब भूल जाएंगी। कामरान की आखिरी निशानी समझ के गले लगा लेंगी। लेकिन फातिमा तुम ये भी तो सोचो, ये शादी उनकी मर्जी के खिलाफ हुई थी, ऐसे में वो कैसे ये सब कुछ एक्सेप्ट कर ले? पता नहीं अब्बा किस में होंगे। अल्लाह गर्व करे उस शाहनवाज को, मैं तो कहती हूँ कीड़े पड़े उसमें, किसी ट्रक के नीचे आके मर जाए वो। उसे ये सब कुछ करते में शर्म नहीं है? मेरे पास बस आखिरी उम्मीद बची है, अगर वो भी खत्म हो गई ना तो हम भी खत्म हो जाएंगे। आखिरी उम्मीद मतलब? ये देखो, ये इसका पूरा इश्तहार है जिसकी बात हम स्कूल में भी कर रहे थे, और इसी पर तो 5 लाख का इनाम है।
महवेश, अम्मी आ रही हूँ। महवेश, आ रही हूँ। क्या है? तुम्हें एक दफा की बात समझ नहीं आती? या अपने पीछे भी गुंडे लगवाने? अम्मी बस तो बोल रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रही, वो अंदर बैठी हुई है, उसको आवाज चली जाएगी। फौरन से उसे चिंता करो, तुम्हारे अब्बू के उठने से पहले वो यहाँ से चली जाए, समझी? कामरान साहब, कामरान साहब, कैसी तबीयत है आपकी? बेहतर हूँ, आप बताएं। मेरी बीवी का कुछ पता चला? जी, हम गए थे उस पते पे। फिर कहाँ हैं वो लोग, कैसे हैं? हमारे पहुंचने से कबल ही उन्हें मार के जा चुके थे और फ्लैट को भी आग लगा दी थी। खातून का चेहरा तो इतना झुलस गया है कि पहचान में नहीं आ रहा, मगर अलीम साहब की बॉडी को काफी हद तक बचा लिया हमने। कमरान, 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 मार दिया उसने, मार दिया उसने फातिमा को, उसने मार दिया फातिमा को। कमरान, उसने कमरान, अरे तबीयत ठीक नहीं कमरान, कमरान। क्या 50,000 काफी होते हैं अपनी बेटी के लिए? नहीं, हम एक बार तुम्हारा अकाउंट खुलवा लें, फिर इससे भी ज्यादा डलवा देंगे, ठीक है? तो एक ही दफा सारे डलवा दीजिए ना। सारे? कितने सारे? जितने आपकी बेटी के पास होने चाहिए। अरे मेरी बेटी के पास तो बहुत सारी चीजें होनी चाहिए। तो आप सारे पैसे डलवा दीजिए ना। सारे कितने? हेलो, आपने आज का अखबार देखा है? नहीं, आज मैं स्कूल गई नहीं, टाइम ही नहीं मिला मुझे। अगर वक्त मिले तो प्लीज देख लीजिएगा। अच्छा, आज तो मुश्किल हो जाएगा, आज मुझे सीरत को लेके जाना है, उसका अकाउंट खुलवाना है। तो फिर आपा, आप जाने से पहले अखबार जरूर देख लीजिएगा। अच्छा, ऐसा क्या अखबार में? आप देख तो ले। चलो ठीक, ओके, खुदा हाफिज। तुम कहीं जा रही हो क्या? जी, इसका अकाउंट खुलवाने के लिए जाना है मुझे। पहले ये खबर पढ़ लो। ऐसे मार दूंगा, मार दूंगा उनका। आप एक बच्चा भी था, उसका पता चला? फिलहाल तो पता नहीं, और अभी मैं कुछ कह भी नहीं सकता। आग बहुत तेज थी, बड़ों का नहीं पता चला तो वो तो बच्चा था। शाहनवाज का कुछ पता चला? उसकी लोकेशन में ट्रेस कर रहा हूँ, हो सकता है बच्चा उसी के पास है। ठीक है, एक मिनट। ये मैंने इंजेक्शन दे दिया, इंशाल्लाह बहुत जल्द आराम आ जाएगा। ठीक है, मैं भी चलता हूँ। अमीर कौन है?
कौन हो तुम? मुझे फरहत बीबी से मिलना है। सीरत फातिमा नाम है तुम्हारा और अलीम इब्राहिम की बेटी हो तुम। 20 साल हो गए अपनी माँ से बिछड़े हुए, अखबार में इश्तिहार देखा तो अब तुम यहाँ तक पहुँच गए, यही ना? तो 1 साल पहले कहाँ थी? पहले क्यों नहीं आई? वो मुझे हाँ अखबार नहीं मिला होगा ना, इश्तिहार अब देखा होगा तुमने। एक बात गौर से सुनो लड़की, अखबार में साफ साफ लिखा है कि पुलिस को एक मतलूब मुजरिम ने अलीम को और उसकी बेटी को बेदर्दी से कत्ल कर दिया, जाती दुश्मनी की बिना। अलीम की तस्वीर भी छपी और उसकी उस बेटी की तस्वीर भी जो झुलस गई, उसकी शक्ल नहीं पहचानी जाती। ऐसा कैसे हो सकता है? फातिमा मैं हूँ, वो मेरे अब्बा हैं। अरे बस 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 करो, अब दावा करने की जरूरत नहीं है। हमारी तलाश खत्म हो गई, तुम जा सकती हो। और हाँ, इसके अलावा तुमने कुछ कहना है तो जरूर कहो। अच्छा हुआ जो सीरत फातिमा मर गई, सारी झंझट खत्म। अब ना कोई माँ अपनी बेटी को तलाश करेगी, ना कोई बेटी अपनी माँ को। और रही बात अलीम की ना, तो उसने जी के भी क्या करना था? ये क्या कहकर गई? इसने जो कुछ कहा है अगर वो सच है, नहीं। कोई लड़की आई थी क्या? जी बेगम साहब। पाजी कैसी थी? अच्छी घर की लड़की थी और अच्छे कपड़े भी पहने हुए थे और गोद में एक बच्चा भी था। आंखें कैसी थी उसकी? इतना गौर से तो नहीं देखा। अरे तुम यहाँ खड़े क्या कर रहे हो? जाओ। जी सर। असर भाई कोई लड़की आई थी? हाँ, दूसरी ठग आई थी। एक को भागे 5 मिनट हुए थे कि दूसरी आ पहुंची, लेकिन भागकर जाएगी कहाँ? पुलिस को मैंने फोन कर दिया। सुन लिया, ये हाल है लोगों का। फरहत बाजी छोड़ दें ये सब कुछ, भूल जाएं। अगर मेरी सीरत, वो आपकी सीरत नहीं थी। अगर आपकी सीरत होती तो आपको इस तरह अकेला छोड़ के नहीं चली जाती। बहुत याद आती है मेरी सीरत मुझे, मैं समझ सकती हूँ। कामरान के घर का पता ढूंढ, उसके अलावा कहाँ जाएगी वो? तो क्या उस्ताद, अब भी तुम उसी से शादी करोगे? अबे दिमाग खराब हो गया तेरा? कभी मुझे उतरन पहने देखी है? जब तक उसे मजा नहीं सिखाऊंगा ना, गुस्सा ठंडा नहीं होगा मेरा, ठंड नहीं पड़ेगी। तो अब कर ले अपना गुस्सा ठंडा, पकड़ लो सबको, कुछ जाने ना पाए। इंस्पेक्टर, तू जमानत पर छूट कर गायब हो गया था तो क्या लगा तू आदमी आएगा? होशियारी नहीं, चारों तरफ तेरे मौत ही मौत है। कोई बात नहीं भाई, आज आपकी बारी है, कल हमारी बारी होगी, देख लेंगे। थाने चल, अच्छी तरह देख लेना, ले चलो। गुस्सा क्यों कर रहा है भाई, चल रहे आराम से, चले चलते हैं।
सीरत फातिमा मर गई, बहुत अच्छा हुआ। तो फिर ये किसका मुर्दा जिस्म भटक रहा है, इससे कोई दफन क्यों नहीं करता? अब्बा, मैं कितनी बदनसीब हूँ जो आपको आखिरी बार बिना देख पाए। कितनी ठंडी किस्मत दिखाई है फातिमा तुम्हें। माँ की चौखट से वापस आ गई, लेकिन देखना भी नसीब न हुआ। पहले अब्बा मेरे कंधों का बोझ थे और अब ये साल। मैं किस तरह मुर्दा जिस्म के साथ ये बोझ उठाऊंगी।